नमस्कार, मैं हूं देवांजी मोइत्रा। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में क्या रखा है, हौसलों में उड़ान होती है। 19 दिसंबर के दिन जब शाम के वक्त आईपीएल के 13वें सीजन की नीलामी शुरू हुई तो कई खिलाड़ियों के सपने पूरे हो गए। छोटे शहर कस्बों से निकले कई खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा। कई ऐसे खिलाड़ियों के अरमान भी पूरे हो गए जो कभी आईपीएल में बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का सपना देखते थे। 19 दिसंबर के दिन जब नीलामी खत्म हुई तो आईपीएल में अपनी चमक बिखेरने का सपना संजोए एक खिलाड़ी के अरमान पूरे हो गए। कामयाबी इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि इस खिलाड़ी के पिता बेटे के पंखों को उड़ान देने के लिए पानी पूरी बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। कहानी है यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी को राजस्थान ने 2.40 करोड़ में खरीदा है। लेकिन आज बेशक यशस्वी को आईपीएल में खरीदा गया, बेशक उन्हें कामयाबी मिल गई हो, बेशक आज उन पर पैसों की बारिश हो रही हो, लेकिन एक वक्त वो भी था जब इस खिलाड़ी को आधुनिक सुख सुविधाएं भी मयसर नहीं थी। पिता परिवार का पेट पालने के लिए पानीपुरी की छोटी सी दुकान चलाते थे, जैसे तैसे परिवार का पेट पलता था। क्रिकेट जैसे महंगे खेल की ट्रेनिंग लेना तो दूर था, लेकिन यशस्वी के दिल में तो क्रिकेट बसा था। बस फिर क्या था, महज 11 साल की छोटी सी उम्र में यशस्वी उत्तर प्रदेश के भदोही से मुंबई चले गए। रहने के लिए छत नहीं थी तो उन्हें टेंट में रहना पड़ता था। ऐसे में उन्हें एक डेयरी शॉप में काम मिला। खर्चा चलाने के लिए काम करते थे, साथ साथ क्रिकेट भी खेलते थे। लेकिन कहते हैं कि जब कामयाबी मिलनी होती है तो कुदरत खुद ब खुद रास्ता बना देती है। इसी दौरान यशस्वी की मुलाकात यूपी के रहने वाले ज्वाला सिंह से हुई और बस इसी मुलाकात के बाद यशस्वी की किस्मत ने पलटा खाया। क्योंकि ज्वाला सिंह भी यूपी के रहने वाले थे तो इस वजह से वो यशस्वी का दर्द समझते थे। उन्होंने यशस्वी को गाइड किया। इसके बाद स्थानीय क्रिकेट में यशस्वी के बल्ले की धमक सुनाई पड़ी और उनकी गाड़ी चल पड़ी। बस मानो यहीं से 11 साल के लड़के की कामयाबी का सफर शुरू हो गया था। मेहनत की तो कामयाबी भी कदम चूमने लगी। धीरे धीरे यशस्वी का नाम होने लगा। इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में 154 गेंद में 17 चौके और 12 छक्के की मदद से यशस्वी 203 रन की पारी खेलकर लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे। इस सीजन में उन्होंने 3 शतक की मदद से 564 रन बनाए, जहां उनका औसत 112.80 का था। उसका फायदा भी हुआ। जायसवाल दक्षिण अफ्रीका में जनवरी फरवरी में खेले जाने वाले अंडर 19 विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा है। ये यशस्वी का टैलेंट ही है कि विश्व कप जिस कप्तान के अंडर वो खेल रहे हैं, आईपीएल में उन्हें उससे ज्यादा पैसे मिले हैं। नीलामी में टीम के कप्तान प्रियम गर्ग को 1.90 करोड़ और यशस्वी को 2.40 करोड़ में खरीदा गया। नीलामी के बाद यशस्वी ने कहा, मैं काफी खुश हूँ, मेरे लिए ये सीखने का काफी अच्छा मौका होता, मेरे लिए अपना नाम बनाने का मंच है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं। उनका परिवार काफी गरीब था, उनके पिता छोटी सी दुकान चलाते हैं। ऐसे में अपने सपनों को पूरा करना, मूलभूत सुविधाओं से मयसर रहते हुए भी कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात है और यशस्वी ने अपनी मेहनत और लगन से इस कामयाबी को हासिल किया है। उम्मीद करेंगे कि जिस आईपीएल से टीम इंडिया तक पहुंचने का रास्ता निकलता है, यशस्वी इस सीजन में कमाल करें ताकि टीम इंडिया में पहुंचने का उनका सपना पूरा हो सके।